यस, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तो आज हम लोग कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन जो है उस चैप्टर को खत्म कर देंगे. पहला दो क्लास से आपको पता लग गया होगा कितना जबरदस्त वाला टेक्निकल चैप्टर है. अगर आप इस चैप्टर को साथ साथ नहीं करेंगे तो हर टर्म में करेंगे. तो अगर एक ही टर्म में करना है तो अभी साथ साथ कर लो. कितने बच्चे घर में जाकर के पूरा चैप्टर को रिवाइज किए? 25 to 30%, चलो अप्रॉक्स 50% के आसपास. बाद बाकी बच्चे जादू का वेट कर रहे हैं. वो लैंड करेगा जादू, ऐसे छुएगा सब याद आ जाएगा. समझ में आया? तो वैसा तो कुछ होगा नहीं, तो फिर वो समझ जाओ डिसलेक्सिया टाइप ही रहेगा. सो मेक श्योर इट्स सच अ टेक्निकल चैप्टर कि आप घर जाकर के आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे. आप दो घंटा देना, देखना आपका दो घंटा में पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा. क्योंकि तो जितना भी टेक्निकल पॉइंट्स था, एस्पेक्ट्स था, मैंने अच्छे से समझाया है, उसको हाईलाइट करवाया है, डिक्टेट कर दिया है. तो आप सीधा डिक्टेटेड नोट्स जो है ना वो उठा करके पढ़ो, आपका अपने आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो अभी हम लोग जो है वो सेक्शन लास्ट 234 तक खत्म किए होंगे रे. आइए 235 से चालू करते हैं. सबसे पहले बताओ सेक्शन 230 क्या था? वही तो मेन था. सेक्शन 230 था कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. फिर 231 एनसीएलटी पावर टू इनफोर्स द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. सेक्शन 230 क्या था? कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट. 231 पावर टू इनफोर्स द कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट. फिर अरे 230 हो गया, 231 हो गया, 232 अमलगमेशन, 232 अमलगमेशन. अरे यार वो तो ऑलमोस्ट 230 की तरह ही था रे बाबा. और 233 था फास्ट ट्रैक मर्जर, 233 था फास्ट ट्रैक मर्जर. और 234 था मर्जर बिटवीन इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी. पक्का? और 233 और 234 मैंने पूरा डिक्टेट कर दिया था आपको, और 230 भी पूरा डिक्टेट कर दिया था. ओके लवली लवली बेटा, अभी हम लोग आ रहे हैं सेक्शन नंबर 235. मतलब एक होता है सेक्शन पढ़ने पर समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं. सेक्शन 235 इतना ज्यादा टेक्निकल है कि तुम पढ़ो क्या बोलना चाह रहे वही नहीं समझ में आएगा तुमको. एक होता है समझ में नहीं आया ठीक से, और एक होता है भाई बोल क्या रहे हो. ये सेक्शन 235 वैसा है, भाई बोल क्या रहे हो. तो हम तो अपना कलाकारी दिखाएंगे, बट एक बार तुम पढ़ो पहले सेक्शन 235, और तब तक हम आपको बता दें सीएस एग्जीक्यूटिव एंड सीएस प्रोफेशनल का इस टर्म में बहुत ही जबरदस्त मेहनत करके नया नया वर्कबुक्स लॉन्च किया गया है. ये वर्कबुक के अंदर जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो सब आया हुआ है. तो अगर बाय चांस अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप खाली ये वाला मैट पढ़ करके चले जाओगे तो भी आपका पास होने का चांसेस जबरदस्त हो जाएगा. बट ये आउटसाइडर लोग को मत बताना. तो सबसे पहले फाइनल का ये दो मैट लॉन्च हो चुका है मेरी तरफ से. एग्जीक्यूटिव का मैंने सारा मैट खत्म कर दिया, वो प्रिंट में है. फाइनल का मेरी तरफ से और दो तीन मैट के ऊपर काम चल रहा है. ठीक है, फाइनल में टोटल मिला करके आप लोगों को ऐसा 6 मैट मिलेगा, 6 वर्कबुक मिलेगा. तो फाइनल में ऑलरेडी 4 वर्कबुक मेरा कंप्लीट हो चुका है, 2 वर्कबुक के ऊपर और काम चल रहा है. और ये रहा ड्राफ्टिंग का मैट वर्कबुक. ये मेन मैट नहीं है, मेन मैट अलग है. इसमें खाली क्या है? क्वेश्चन आंसर्स, खाली क्वेश्चन आंसर्स. तो पूरा मैट क्वेश्चन आंसर्स के जरिए जो है वो बना दिया गया है. चार्ट लेना है, एकदम एकदम पूरा चार्ट लेना है. ये है अपना रेजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स का. तो ये दो मैट हम लोग की तरफ से रेडी हो चुका है, ऑफिस में आ चुका है, कलेक्ट कर लीजिएगा. वैसे अगर एग्जीक्यूटिव का बात करें तो एग्जीक्यूटिव में जेएचएल का मैट रेडी है एंड सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट का मैट रेडी है. ठीक है, ये मॉड्यूल 1 का है और ये मॉड्यूल 2. ये भी ऑफिस में आ चुका है, कलेक्ट कर लीजिएगा. इसमें और दो मैट हम लोग का पेंडिंग रहेगा. और इसमें फाइनल में टोटल 6 ऐसा वर्कबुक मिलेगा. सर 8 लॉ का पेपर है, बट उसमें 2 तो ओपन बुक है तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं है. बच्चा जो 6 मैट 6 पेपर, उसका 6 ठो वर्कबुक जो है वो मिलने वाला है. 2 ठो हो चुका है और 2 ठो प्रिंट में है और 2 ठो WIP है. या आप इसको पढ़ो.
अरे बजट देखा रे, समझ में आया क्या? इन लोग सोचता है बेवकूफ बना देगा, लेकिन पब्लिक जो है वो बेवकूफ बनता नहीं है। क्या बकवास बजट, मतलब मेरा लाइफ का हम सबसे वाहियात बजट देखे। बकवास, वाहियात, सड़ा हुआ। इन लोग को इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, लेकिन एक मजा का बात, एक मीम देख रहे थे हम। इंडिया में टैक्स पेयर्स जो है, जो टैक्स पे करते हैं, रिटर्न नहीं, रिटर्न निल रिटर्न तो सभी लोग लगाते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जो निल रिटर्न रहता है वो तो ऑलमोस्ट आजकल बहुत जन लगाने लगे हैं। हम बात करें जो टैक्स पे करते हैं वो लगभग लगभग 6% है। जो टैक्स पे करते हैं 6% है, और बजट से जिनको ऑब्जेक्शन है वो 94% है। सभी को ऑब्जेक्शन है। नहीं देखो, मेरे को ऑब्जेक्शन होना समझ में आता है, बट सभी को ऑब्जेक्शन है। चलो, मतलब उन लोगों को ऐसा बजट चाहिए था कि सरकार ही उनको दे दे। हाँ बाबा जी, बहुत दिन बाद बोल रहे, बोलो। हाँ, इतना तो हम लोग कमाए कि टैक्स दे पाए, इतना इनकम तो जनरेट होना चाहिए। जोरदार तालियां एक बार इनके नेक विचार के लिए। भगवान करे आप लोग सब हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आए। अरे हाँ, अरे क्या, नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान करे आप लोग हाईएस्ट टैक्स पेयर बने। अरे हाँ, हम तो भगवान से मनाएंगे हम हाईएस्ट टैक्स पेयर बने। चलो देखो, एक जमाना था जब इंडिया में हाईएस्ट टैक्स रेट 97.5% था। तुमको पता है ये बात, 97.5% टैक्स। तो इसलिए पहले पुराने जमाने में लोग काम ही नहीं करते थे, बोला कमा करके अगर 97.5 ही देना है तो कमाएंगे ही नहीं, भीख मांगेंगे या बेरोजगार रहेंगे, घर में रहेंगे। लोग काम पर ही नहीं जाते थे पुराने जमाने के लोग, रिजल्ट आपके सामने रहता था। अभी देखिए, आप ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, अरे बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, सेक्शन 235 पहला पैराग्राफ पढ़ लो।
Yeah. I think it's done. Done. I think it's done. आइए आप समझाइए बाबा जी. कोई भी ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नहीं अमलगमेशन कुछ भी हो रहा है तो जो अच्छा अमलगमेशन हो रहा है, यानी ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी के बीच में जब कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसमें दोनों का शेयर आपस में ट्रांसफर हो रहा है तो कुछ ना कुछ आपस में शेयर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब शेयर होल्डर से लेकर ट्रांसफर ट्रांसफरी कंपनी के बीच में जब ट्रांसफरर कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर करे, ट्रांसफरी कंपनी शेयर करे ट्रांसफर कंपनी को. एक सेकंड, तुम दोनों बोल दिए अभी, फाइनल आंसर क्या है? ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर करे अपना शेयर. हाँ सही है. थोड़ा टेक्निकल डिफेक्ट है बट चलो, ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर लोग का शेयर ट्रांसफर हो रहा है ट्रांसफरी कंपनी को, वही बोलना चाह रहे तो कुछ ना कुछ शेयर होल्डर ऐसा होगा जिसको मचमची मचेगा. कहाँ का? नहीं नहीं अच्छा है अच्छा है, लेमैन का लैंग्वेज समझो एक बार पहले. कहाँ का शेयर होल्डर लोग को मचमची मचेगा? ट्रांसफरर कंपनी का, ट्रांसफरर कंपनी का ट्रांसफरर, और वो डिसेंटिंग करेगा, डिसेंट करेगा तो उसी का शेयर होल्डर के लिए मतलब एनसीएलटी का अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है. मतलब अगर वो लोग लास्ट में लिखा हुआ है वहां पे लास्ट पोर्शन में जाकर के, मेरे को ऊपर नीचे लास्ट दाएं बाएं सब दिमाग में है, तुम बोलो ना. तो उसी के बारे में प्रोविजन है क्या? अभी तक ये एनालिसिस कर पाए थे क्या? वापस से बोलो एक बार, चलेगा इतना? अगर ट्रांसफर ट्रांसफरर कंपनी ट्रांसफरी कंपनी को अपना शेयर ट्रांसफर कर रहा है और ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर लोग का शेयर ट्रांसफर किया जा रहा है, ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर का ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर्स का शेयर ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफरर कंपनी का डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स लोग को ऑब्जेक्शन हो गया है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम कंपनी से एग्जिट करेंगे, मतलब अपना शेयर उन लोग एग्जिट नहीं करना चाह रहा है. उन लोग बोला ये हमारा कंपनी है, हम लोग जो यहाँ पर शेयर होल्डर है ट्रांसफरर कंपनी के पूर्वजों के जमाने से है, हम लोग ट्रांसफरर कंपनी का शेयर तुमको नहीं बेचेंगे ठाकुर. और ठाकुर क्या किया है? वो 90% शेयर्स अक्वायर कर चुका है. अब जो मचमची वाला लोग है ट्रांसफरर कंपनी का 10% ऐसा शेयर होल्डिंग है उन लोग के पास, और उन लोग बोल रहे नहीं ये हम लोग के पूर्वजों का, हम लोग नहीं बेचेंगे. तुम्हारे लेमैन के लैंग्वेज में हम बता रहे हैं, उन लोग को मचमची मच रहा है. तो ट्रांसफरी कंपनी के पास पता है, ट्रांसफरी कंपनी के पास पावर है. पावर, पावर मतलब ऑप्शनल. ट्रांसफरी कंपनी के पास पावर है, अगर वो चाहे. जो माइनॉरिटी शेयरहोल्डर लोग है ना, जिन लोग के पास अब ज्यादा से ज्यादा 10% शेयर बचा है ट्रांसफर कंपनी का, कुचल देगा, रगड़ देगा उन लोग को, जबरन उन लोग का शेयर खरीद लेगा, जबरन. और अगर इसमें दिक्कत है वो माइनॉरिटी लोग को, तो एनसीएलटी के पास अप्लाई करेगा और फिर एनसीएलटी जो फैसला सुनाएगा सुनाएगा. बट ट्रांसफरी कंपनी जो बड़ा पैसा वाला है और मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी अपना शेयर बेचने के लिए रेडी है, जिन लोग के पास 90% शेयर था, जो शेयर होल्डर्स थे ना ट्रांसफरर कंपनी के होल्डिंग 90% शेयर, उन लोग बेचने के लिए रेडी है. जो मचमची वाला लोग है उन लोग के पास ज्यादा कितना है, रगड़ दिया जाएगा उन लोग को, स्क्वीज आउट करके उन लोग से शेयर निकाला जाएगा. तो मतलब अपने इतना हर बार लॉ में पड़े हैं प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, ये कोई प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वाला सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन है स्क्वीजिंग आउट वाला.
स्क्वीज आउट किया जाएगा शेयर्स फ्रॉम माइनॉरिटी इन्वेस्टर. क्रीम जो था वो तो ले लिया, अब जो मच्छी वाला लोग है उन लोग 10% के ऊपर कब्जा करके बैठा है. लार्जर बॉडी ऑफ शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को डिफीट कर रहा है, लार्जर इंटरेस्ट को डिफीट कर रहा है, उन लोग से जबरन शेयर लिया जाएगा. अनलेस कॉन्ट्रारी ऑर्डर इज पास बाई एनसीएलटी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स. अनलेस एनसीएलटी पास सम कॉन्ट्रारी ऑर्डर ऑन द एप्लीकेशन मेड बाय द डिसेंडिंग शेयर होल्डर, दे विल हैव टू सरेंडर द शेयर्स टू ट्रांसफरर कंपनी. ट्रांसफर कंपनी इज एंटाइटल्ड, उसके पास पावर है कि वो नोटिस दे सकता है डिसेंडिंग है, चल अपना बाद बाकी जो है ना 10% वो दे. तो ये प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर नहीं है, स्क्वीजिंग आउट द शेयर्स फ्रॉम माइनॉरिटी इन्वेस्टर है. तो पहले तो माथे पे लिख दो इट्स अ प्रोविजन ऑफ सुनो ना सीधा यहां पर लिखो ए सीधा यहां पर लिख दो कॉपी कॉपी खोलो फटाफट. कॉपी का पेन नंबर वगैरह सब मेंशन कर रहे हो ना. थोड़ा फास्ट हेडिंग दे दो सेक्शन 235. हेडिंग दे देना सेक्शन 235. सेक्शन का हेडिंग 235, पूरा सेक्शन भी लिख दो. पावर टू अक्वायर शेयर्स, पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग, शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग, पावर टू अक्वायर शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स डिसेंटिंग from scheme, power to acquire shares of shareholders descending from scheme, shareholders descending from scheme or contract approved by majority, shareholder descending from scheme or contract approved by majority. Shareholders descending from scheme or contract, shareholder descending from scheme or contract approved by majority. अब उसके ब्रैकेट में लिख दो इट्स अ प्रोविजन रिलेटेड टू स्क्वीजिंग आउट द शेयर्स फ्रॉम माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स. इट्स अ प्रोविजन रिलेटेड टू स्क्वीजिंग आउट द शेयर्स. इट्स अ प्रोविजन रिलेटेड टू स्क्वीजिंग आउट the shares. It's a provision related to squeezing out the shares. It's a provision related to squeezing out the shares of minority investors. Squeezing out the shares from minority investors. Likh diya provision related to squeezing out the shares from minority investors. Ab dekho hum pura acche se samjha rahe hain section 235 kya hota hai. Dekho idhar. सेक्शन 235 क्या होता है. सबसे पहले मान लो से फॉर एग्जांपल एक ट्रांसफरी कंपनी है, पैसा वाला है ये ट्रांसफरी कंपनी, ये बड़ा कंपनी है ट्रांसफरी कंपनी. अब इसका नजर आ गया है ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर, ठीक है. ट्रांसफरी कंपनी का नजर किसके पास आ गया, ट्रांसफरी कंपनी का नजर आ गया किसके ऊपर बताओ ना, ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर.
ठीक है सर, समझ गए, ट्रांसफरी कंपनी का नजर आ गया किसके ऊपर, ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर। अब ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त लग रहा है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त है और ट्रांसफरी कंपनी का बिजनेस मॉडल जबरदस्त के साथ बड़ा भी है, ये इसका बिजनेस मॉडल है। अब ट्रांसफरी कंपनी सोच रहा है कि यार ये ट्रांसफरर कंपनी, तुम लोग दोनों बॉक्स का साइज सेम तो नहीं लग रहा है ना, नहीं ट्रांसफरी कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत बड़ा है, बहुत सक्सेसफुल है, ट्रांसफरर कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो अभी फिलहाल छोटा है बट सक्सेसफुल है। किसको डर लग रहा होगा? छोटा प्लेयर को डर नहीं लगता क्योंकि वो छोटा है, डर किसको लगता है? ट्रांसफरी कंपनी जो बड़ा प्लेयर है उसको डर लग रहा है, यार ये ट्रांसफरर जो है कहीं बराबरी नहीं कर ले, नहीं समझ आया? तो ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, ट्रांसफरी कंपनी इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहेगा, ट्रांसफरर कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहेगा। तो ट्रांसफरी कंपनी का जो बोर्ड है वो ट्रांसफरर कंपनी का बोर्ड से मिलेगा, ट्रांसफरी कंपनी का बीओडी ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी से मिलेगा, कोई इन लोग आपस में एक स्कीम अरेंजमेंट डिजाइन करेगा, वो अमलगमेशन का स्कीम भी हो सकता है, कोई भी एक स्कीम अरेंजमेंट, समझा ना, कोई भी एक स्कीम, स्कीम यानी क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी अरेंजमेंट या फिर कुछ अमलगमेशन लोग डिजाइन करेगा जिसके तहत ट्रांसफरर कंपनी जो है, कौन, हाँ ट्रांसफरर कंपनी का मेजॉरिटी शेयर्स जो है ट्रांसफरर कंपनी का चला जाएगा किसके पास, ट्रांसफरी कंपनी। अब ये जो स्कीम ट्रांसफरी कंपनी का बीओडी ने प्रेजेंट किया, ट्रांसफरी कंपनी का बीओडी ने जो स्कीम क्या किया, किसको, ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी को, तो फिर ट्रांसफरर कंपनी ऑब्वियस सा बात है, ट्रांसफरर कंपनी का बोर्ड तो ये फैसला नहीं ले सकता क्योंकि ओनरशिप किसके हाथ में है, शेयर होल्डर्स। तो ट्रांसफरर कंपनी का बोर्ड 4 महीना का टाइम रहेगा उसके पास, ट्रांसफरर कंपनी का बीओडी के पास 4 महीना का टाइम रहेगा, 4 महीना के अंदर ट्रांसफरर कंपनी एक जनरल मीटिंग करेगा, उसका शेयर होल्डर्स लोग होल्डिंग 90% वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर होल्डर्स होल्डिंग 90% वैल्यू ऑफ शेयर अग्रीज टू ट्रांसफर द शेयर्स, दे हैव अग्रीड टू ट्रांसफर द शेयर्स टू ट्रांसफरी कंपनी फोकट में, ये कंसिडरेशन रहेगा। वो कंसिडरेशन क्या रहेगा, वो कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है जो स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, वो कंसिडरेशन हो सकता है कैश हो, वो कंसिडरेशन हो सकता है ट्रांसफरी कंपनी थोड़ा सा अपना शेयर होल्डिंग दे दे, ऊपर से जा रहा है, ट्रांसफरी कंपनी बड़ा कंपनी है उसको भाई चाहिए, मतलब हम ट्रांसफरी कंपनी है, तुम लोग ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर है, तुम लोग कौन है, तुम लोग ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर है, हम ए लिमिटेड है ट्रांसफरी कंपनी, तुम लोग बी लिमिटेड का शेयर होल्डर है, छोटा कंपनी का शेयर होल्डर है। तो डियर शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बनना चाहते हो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर, अरे बोलो yes, बनना चाहते हो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर, हाँ या फिर कैश दे देंगे या शेयर दे देंगे, बट एक के बदले एक थोड़ी ना देंगे रे, मेरा एक शेयर का दाम मान लो 1000 रुपया है, तुम्हारा एक शेयर का दाम मान लो 10 रुपया है, चलो 100 रुपया ले लेते, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा नहीं तो ऑब्वियस बात है, 100:1000 मतलब समझ आ रहा है 10 गुना, मतलब तुम्हारा 10 शेयर मेरा एक शेयर का बराबरी करता है, तो तुम 10 दोगे तुमको हम एक तो शेयर दे देंगे, तो ऐसे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, लगा दिया छोटा बुद्धि, क्वांटिटी से होता है कि वैल्यू से होता है, तो तुम्हारा 10 शेयर मेरे एक शेयर का बराबरी करता है, समझ आ रहे क्या बोल रहे हैं, तो एक बार खेलो, हाँ समझो, डियर शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बनना चाहते हो ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डर, बनना चाहते हो ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डर, या ट्रांसफरी कंपनी तुम लोग को कंसिडरेशन दे दे, मोटा माल दे दे, तो वोट करो,
वोट करो, वोट इन फेवर. अरे वोट इन फेवर, ए हट जाओ, वोट इन फेवर. बाप रे बाप, बी लिमिटेड. अच्छा ट्रांसफरी कंपनी ने प्रपोजल दिया था ना बी लिमिटेड को, तो बी लिमिटेड को फैसला कितना महीना के अंदर लेना पड़ेगा? चार महीना. चार महीना के अंदर अगर उन्होंने फैसला ले लिया और इतने सारे शेयर होल्डर जिनके पास, इतने सारे शेयर होल्डर जिनके पास 90% क्या है शेयर, शेयर होल्डर होल्डिंग 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, वोट इन फेवर एंड दे एग्री टू ट्रांसफर द शेयर्स टू ट्रांसफरर कंपनी, ए ट्रांसफरी कंपनी, दे एग्री टू ट्रांसफर द शेयर्स टू ट्रांसफरी कंपनी, पक्का? तब तो डील हो गया. श्योर? दुखी आत्मा लोग, डिसेंटिंग, जिन्होंने वोट नहीं किया था खड़े हो जाओ, जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया था. अरे अरे, वी नीड टू कैरी आउट द लेक्चर. डिसेंटिंग वाले, इनके पास 10% शेयर्स है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10% होगा. नहीं सर, अगर 80% होता तो यहां 20% हो जाता. अरे मेरे गांजा, तब तो पास ही नहीं होता स्कीम. 90% वैल्यू चाहिए हम लोग को. मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिसेंडिंग के पास कितना होगा? 10% शेयर. नहीं समझा? उफ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिसेंडिंग के पास कितना होगा? 10% शेयर होगा. अब क्या होगा सुनो, चार महीना के अंदर अगर ये अप्रूवल हो गया, अब यहां से 2 महीना का टाइम रहेगा. 2 महीना का टाइम किसके पास रहेगा? ट्रांसफरी कंपनी के पास रहेगा, जिसने ऑलरेडी 90% शेयर अक्वायर कर लिया है. ट्रांसफरर कंपनी ने, जिसने ऑलरेडी 90% शेयर अक्वायर कर लिया ट्रांसफरर कंपनी के अंदर, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. अब 2 महीने का समय ट्रांसफरी कंपनी के पास रहेगा. 2 महीने का समय किसके पास रहेगा? ट्रांसफरी कंपनी सोच रहा है ये 10% भी हम चाहते हैं अक्वायर कर ले. तब ट्रांसफरी कंपनी के पास पावर है, ट्रांसफरी कंपनी के पास पावर है कि 2 महीना के अंदर एक नोटिस इन लोग को सर्व करेगा, डिसेंटिंग वालों को, विद इन 2 मंथ्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 4 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द 4 मंथ्स अ नोटिस विल बी सर्व बाई ट्रांसफरी कंपनी टू द डिसेंडिंग शेयर होल्डर, आस्किंग देम टू सरेंडर द शेयर. और ये नोटिस जाएगा हम लोग का फॉर्म नंबर CA. बोलो लास्ट कहां छोड़े थे? तो 14. तो ये हम लोग का नोटिस हम लोग सर्व करेंगे डिसेंडिंग वालों को इन फॉर्म नंबर CA 14. समझ में आ गया सर हम लोग को यहां तक? अब ऐसा नहीं है कि इन लोग अगर डिसेंटिंग है तो हम लोग को कम भाव पर देंगे. जो भाव, जो कंसिडरेशन असेंटिंग वालों को दिया जा रहा है, सेम कंसिडरेशन डिसेंटिंग वालों को भी दिया जाएगा. पहले बात, कंसिडरेशन क्या रहेगा? सेम. अब डिसेंटिंग वाले लोग को अगर मचमची अभी भी मचा हुआ है तो दे हैव अ पावर कि उन लोग कहां अप्लाई कर सकते हैं? NCLT. फिर तो भाई NCLT जो बोलेगा वो होगा. अदर देन दैट, ट्रांसफरिंग कंपनी के पास क्या है? पावर है कि वो डिसेंटिंग शेयरहोल्डर लोग के पास जाए, उन लोग को नोटिस सर्व करे. फॉर्म नंबर कौन सा? कि हम लोग आपका शेयर क्या करेंगे? अक्वायर. आपसे पूछ नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं. रिक्वेस्ट विक्वेस्ट नहीं कर रहे, आपको बता रहे हैं ये हमारा पावर है, हम लोग आपका शेयर अक्वायर करेंगे. नोटिस अगर सर्व कर दिया, जिस दिन CA 14 नोटिस सर्व कर दिया, वहां से 1 महीना के अंदर, कितना महीना? 1 महीना के अंदर ट्रांसफरी कंपनी पता है क्या करेगा? 1 महीना के अंदर कौन? ट्रांसफरी कंपनी, एक शेयर ट्रांसफर फॉर्म आता है SH4, वो ट्रांसफरी कंपनी साइन करके भेज देगा ट्रांसफरर कंपनी को. सुनो ट्रांसफरर कंपनी, सुनो ट्रांसफरर कंपनी, हम ट्रांसफरी कंपनी है रे, मैंने नोटिस सर्व कर चुका है तुम्हारे डिसेंडिंग वालों को, अब यहां से 1 महीना के अंदर मैं SH4 भेज दूंगा किसको? ट्रांसफरर को. कि ट्रांसफरर कंपनी चुपचाप जो है तुम्हें एक
पर्सन को अपॉइंट करो टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर. ट्रांसफर कमिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर. और ट्रांसफर कंपनी क्या करेगा, मैंने एक महीना के अंदर उसको SH4 सर्व कर दिया है, अब ट्रांसफर कंपनी क्या करेगा, ये ट्रांसफर को रजिस्टर करेगा. जो ट्रांसफर कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसमें कुछ डिसेंटिंग शेयरहोल्डरों का अभी भी नाम लिखा हुआ होगा, शेयर ट्रांसफर हुआ था कि नहीं हुआ था, उनका नाम हटा करके अब ट्रांसफरी कंपनी का नाम लिख देगा और उनको यह बात बता देगा कि भाई अब तुम मेरे शेयर होल्डर नहीं रहे. बोले लेकिन मैंने तो कंसेंट नहीं दिया, तुम्हारा कंसेंट चाहिए भी नहीं, तुमको समय दिया गया था कहां जाने का, तुम एनसीएलटी में नहीं गए या गए और केस हार गए. लेकिन अगर एनसीएलटी में केस पेंडिंग है तब ये सब नहीं हो सकते, तब ट्रांसफरर कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकता ट्रांसफर इफ द केस इज पेंडिंग इन एनसीएलटी. बट इफ द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैव नॉट अप्लाइड टू एनसीएलटी या दे हैव अप्लाइड टू एनसीएलटी बट लॉस अ केस, गया डिसेंटिंग शेयर होल्डर का शेयर गया मर्जी से कि बिना मर्जी से, उनसे उनसे परमिशन वर्मिशन लिया ही नहीं जा रहा है, उनको तो बताया जा रहा है बार बार. पहले ट्रांसफरी कंपनी नोटिस भेज करके बताया, पहले ट्रांसफरी कंपनी CA 14 का नोटिस भेज करके बताया डिसेंडिंग को कि ए डिसेंडिंग तुम्हारे शेयर अक्वायर करेंगे हम लोग, जो करना कर ले, जो करना कर ले, अक्वायर तो करेंगे. तो वो कहां गया, जरूरी थोड़ी ना एनसीएलटी के पास जाएगी, या तो गया ही नहीं या गया केस हार गया. फिर ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, जिस दिन CA 14 जमा किया ना, जिस दिन CA 14 मुंह पे मारा ना किसके डिसेंडिंग शेयरहोल्डर के, वहां से एक महीना के अंदर SH4 मुंह पे मारेगा ट्रांसफरर कंपनी के कि ये देख ट्रांसफरी कंपनी का साइन है, अब तुम एक बंदा को अपॉइंट कर टू एग्जीक्यूट द ट्रांसफर एंड रिमूव द नेम ऑफ द डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स फ्रॉम द रजिस्टर्ड मेंबर एंड इंसर्ट द नेम ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन द रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ ट्रांसफरर. ट्रांसफर कंपनी अब रेशियो करेगा, अपना रेशियो मेंबर में डिसेंडिंग का नाम पड़ेगा, ट्रांसफर का नाम डाल देगा और बता देगा वो ट्रांसफरी कंपनी. ट्रांसफर को बताया कि SH4 दे दिया तेरे को चलकर, ट्रांसफर कंपनी रेशियो कर दिया, अब ट्रांसफर कंपनी बता देगा किसको, डिसेंडिंग वाले लोग को कि ऐसा ऐसा है अब तुम शेयर होल्डर ही नहीं रहे, तुम्हारा शेयर इतना में बिक गया. ट्रांसफरी कंपनी जो भी कंसिडरेशन देगा वो ट्रांसफरर कंपनी को देगा. फॉर बींग पेड टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर. तो ट्रांसफरी कंपनी जो भी कंसिडरेशन देगा किसको, ट्रांसफर कंपनी को. ट्रांसफर कंपनी एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा और सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेगा एस्क्रो अकाउंट खोल करके, वहां से 60 दिन के अंदर डिसबर्स कर देगा डिसेंटिंग शेयर होल्डर को. समझ आ गया सर. ट्रांसफर कंपनी का कंसिडरेशन जो आएगा वो ट्रांसफर कंपनी अपने कहां रखेगा, बैंक में, और वहां से 60 दिन में डिसबर्समेंट हो जाएगा. आप जितना भी ये सब डील देखते हैं, जितना भी आप ये सब डील देखते हैं, ये सब में सेक्शन 235 इन्वोक होता है. जैसे अगर अभी हम लेटेस्ट एग्जांपल दें तो जोमैटो और उबर ईट्स इंडिया वाला, जोमैटो एंड उबर ईट्स इंडिया. जोमैटो तो इंडियन कंपनी है अगर आपको नहीं पता है, लेकिन उबर एक ग्लोबल कंपनी है. तो उबर ईट्स इंडिया एक सेपरेट कंपनी, तो पूरा उबर ईट नहीं बिक गया, उबर ईट इंडिया बिका है. तो जोमैटो उबर ईट्स इंडिया, अब समझो, तो जोमैटो ट्रांसफरी कंपनी है, उबर ईट इंडिया. तो जोमैटो भाई देखो वही चीज हम बता रहे थे, जोमैटो ये है आती कंपनी, उबर ईट ये है. तो अब जोमैटो प्रॉपर फूड बिजनेस में है और उबर ईट प्रॉपर फूड बिजनेस में नहीं है. समझा, तो जोमैटो क्या बोला, भाई तुम्हारा जो बिजनेस ऑपरेशंस है, तुम्हारा जो बिजनेस मॉडल है मेरे को अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बिजनेस मॉडल अगर मेरे कंट्रोल में आ जाए चार चांद लगा देंगे. तो जोमैटो ने क्या किया, ट्रांसफरी कंपनी है ये ट्रांसफरी कंपनी नहीं है, ट्रांसफर कंपनी का क्या खरीद लिया, सारा का सारा शेयर्स. ट्रांसफरी कंपनी ने ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डरों का सारा शेयर खरीद डाला. नहीं समझा,
अब देखने का बात ये रहेगा कि इसका कुछ डिसेंटिंग वाला लोग भी है क्या, क्योंकि अगर इसका कुछ क्या है जो ज्यादा से ज्यादा कितना होगा 10% शेयर्स वाला होगा, तब फिर सेक्शन 235 भी इन्वोक हो जाएगा। तब फिर क्या होगा, तब इसके पास पावर रहेगा, जोमैटो के पास पावर रहेगा कि सीए 14 सर्व करेगा कितना महीना के अंदर, 2 महीना, 4 महीना तो इसको समय मिला होगा कि हाँ या ना बोल, 4 महीना खत्म है वहां से, 2 महीना के अंदर जोमैटो अगर चाहे तो 2 महीना के अंदर सीए 14 मुंह पे मारेगा डिसेंडिंग छोड़ लो कि चल शेयर दे, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पावर है, पावर पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, चुपचाप शेयर दो, लार्जर इंटरेस्ट में दखलंदाजी मत करो। फिर ये 10% शेयर वाला लोग जो है एनसीएलटी के पास जा सकते हैं, फिर एनसीएलटी भी देखेगा कि क्या है इन लोगों के साथ, क्या वाकई में ना इंसाफी हो रहा है कि इन लोग का ईगो बीच में आ रहा है, फिर एनसीएलटी जो फैसला सुनाएगा मानना पड़ेगा। और अगर इन लोग एनसीएलटी के पास गए ही नहीं तब तो कहानी खत्म, तब तो जिस दिन नोटिस मुंह पे मारा सीए 14, जिस इन लोग के मुंह पे मारा वहां से 1 महीना के अंदर SH4 मुंह पे मारेगा ट्रांसफर कंपनी के, चल बहुत हुआ रेशा करो, मतलब एनसीएलटी के पास अगर जाना हो तो 1 महीना के अंदर चले जाना, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बट ये इंप्लाइड हो गया कि तुम लोग को सीए 14 दिए ना, और वहां से 1 महीना के अंदर SH4 मुंह पे मार देगा किसके, ट्रांसफर कंपनी के, कि चलो भाई रेशा करो ट्रांसफर। और दिक्कत क्या है, कंसिडरेशन तो सेम रहेगा, तो यहां पर भी भले ही माइनॉरिटी लोग के साथ जागती हो रहा है, जागती में भी थोड़ा प्रोडिक्शन है कि जो वोट नहीं दिया उसका पैसा कम नहीं करेंगे, पैसा वही रहेगा जो वोट दिया था, कंसिडरेशन क्या रहेगा सेम। फिर जब भी कंसिडरेशन मिल जाए ट्रांसफरर कंपनी को, वो सेपरेट बैंक में रखेगा और 60 डेज के अंदर डिसबर्स कर देगा। चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया, समझा। ये था सेक्शन नंबर कौन सा, 235। सोच करके बताओ यहां क्या ट्रांसफरी कंपनी शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी से सीधा जाकर के शेयर खरीद रहा था, बाप रे बहुत खतरा था, सही बोले। 236 में वो होगा सर, धीरे धीरे सर, 235 में क्या ट्रांसफरी कंपनी सीधा जाकर के स्टॉक मार्केट से धनाधन शेयर खरीद लिया, कि एक स्कीम बनाया, सबमिट किया ट्रांसफरर कंपनी को, उसका बोर्ड से अप्रूव करवाया, बोर्ड को अच्छा लगा तब वो शेयर होल्डरों का मीटिंग बुलाया, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर है, कंपनी टू कंपनी बात चल रहा है, इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर, वी आर नॉट डायरेक्टली ट्रांसफर कंपनी इज नॉट डायरेक्टली बाइंग द शेयर्स ऑन द स्टॉक मार्केट और जस्ट बाइंग द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ट्रांसफर कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ स्कीम, प्रिपेयर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अमलगमेशन स्कीम, सबमिटेड इट टू द ट्रांसफरर ट्रांसफरर कंपनीज बीओडी, दे हैव अप्रूव्ड इट, दे हैव कॉल्ड द मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स विद इन 4 मंथ्स, एटलीस्ट शेयर होल्डर्स हैविंग 90% इन वैल्यू हैव वोटेड इन फेवर, सो इट्स नॉट अ आउटराइट बाई फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, इट्स अ इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर। Then why minority shareholders are not allowing the inter-corporate transfer to take place? They are adding their tongue in between. तो ये minority लोग को रगड़ दिया जाएगा, इन लोग से जबरदस्ती शेयर अक्वायर कर लिया जाएगा। अब इसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। अब मान लो इसका ये अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है, जो कि है अनलिस्टेड कंपनी ओवर इट इंडिया, तो इसका ज्यादातर शेयर तो प्रमोटर के पास ही रहेगा। लिस्टेड कंपनी में क्या है ना, लिस्टेड कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रमोटर के पास कोई बता सकता है कितना परसेंट रह सकता है, हाँ 75%, 25% तो पब्लिक के पास रहता है, लेकिन यहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, यहां तो 95% भी रह सकता है। तो सुनना, मान ले प्रमोटर के पास 90% है, सुनना प्रमोटर के पास कितना है, एक इंसान अकेला 90% शेयर होल्ड कर रहा है और 10% जो है वो 1 लाख जन के पास है, एक इंसान के पास 90% है और 1 लाख जन के पास 10% है,
तो अब ये एक इंसान के पास 90% है, ये एक इंसान को कन्विंस कर लो तो ये 1,00,000 जन जो है अपने आप पुल हो जाएगा फोर्सफुली, तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो माइनॉरिटी, इसलिए तो फिर माइनॉरिटी इन्वेस्टर अगर ये सब केस हो कहां जा सकता है बताओ, एनसीएलटी, तो फिर एनसीएलटी को जो चित लगेगा वो करेगा। अब एनसीएलटी भी अगर समझ में आ रहा है तो एनसीएलटी को जो उचित लगेगा वो करेगा, लेकिन कानून तो फुल प्रूफ बनाना चाहिए ना। तो ये सेक्शन 235 डिबेटेबल है, मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इसके ऊपर डिबेट करते रहते हैं कि अच्छा है कि खराब है, अच्छा भी है खराब भी है, मेरे को दोनों ठीक लगता है। मेरे को अगर देखो पूछोगे अच्छा है कि खराब है तो अगर फेयर डील हो तब तो बहुत अच्छा है, जहां पर माइनॉरिटी इन्वेस्टर लोग कम हो, लेकिन जहां माइनॉरिटी इन्वेस्टर ज्यादा हो, सर कैसे होगा 10% तो वैल्यू ऑफ शेयर्स है बट नंबर ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स ज्यादा है, तब ये दिक्कत वाला बात हो जाता है। तब उस समय एनसीएलटी को फिर जो है ना अपना रोल ठीक से निभाना चाहिए, अगर एनसीएलटी फिर इंडिपेंडेंट होकर के रोल ठीक से निभाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था सेक्शन नंबर कौन सा बताओ, 235। नहीं तो ये लोग तो कोई मर्जर वगैरह होने ही नहीं देगा फिर, ना जोमेटो और उबर इंडिया का होने देता, ना जब फेसबुक और व्हाट्सएप का बहुत बड़ा मर्जर हुआ था वो होने देता, तुमको था ना फेसबुक, फेसबुक व्हाट्सएप, लेकिन फिर भी फेसबुक डर गया किससे, बोला बाप रे बाप। तो फेसबुक क्या किया, व्हाट्सएप को बोला एक काम करो तुम अपना कंट्रोल मेरे को दे दो, तुम पूरा का पूरा अपना कंट्रोल मेरे को दे दो, 100% शेयर्स मेरे को दे दो, और फिर फेसबुक का भी कुछ शेयर जो व्हाट्सएप के शेयर होल्डर लोग था उन लोग को मिला, स्टॉक टू स्टॉक ट्रांसफर था। नहीं समझा, तो क्या व्हाट्सएप बंद हो गया क्या, तो समझो 235 ये नहीं बोल रहा है कि वो सामने वाला कंपनी खत्म ही हो जाएगा, अयो राम हाँ, यहां 235 स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि कोई भी स्कीम हो अरेंजमेंट हो कुछ भी हो विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, जिसमें 90% वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या हो जा रहा है ट्रांसफर, तो ऐसा कोई भी स्कीम जिसमें ट्रांसफरर कंपनी का शेयर होल्डर का 90% शेयर ट्रांसफर हो गया किसके पास, ट्रांसफरी कंपनी के पास, तब यार वो 10% शेयर वाला लोग क्या नौटंकी कर रहा है यार, उन लोग को रगड़ दो, ये बोल रहे सेक्शन 235। चुप हो जाइए सर, समझ में आ गया, चलो कॉपी खोलो लिखो, कॉपी में हम आप लोग के लिए चार्ट बनवा देंगे मेरे बच्चों, सुनो ना एक बार बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं, बेयर एक्ट क्या है सर, ये पूरा मैट ही बेयर एक्ट है, ये जो हम मैट है पूरा बेयर एक्ट है, ये सब जो तुम लोगों को मैट दिए हर पेपर में 20 नंबर का फर्क आएगा बता रहे हैं, हर पेपर के अंदर 20 नंबर का फर्क या फिर 0 नंबर का फर्क, अगर तुमने वो पढ़ाई नहीं तो पढ़ना तो पड़ेगा क्वेश्चन आंसर्स। अच्छा ये काफी चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका कोई सोर्स नहीं रहता, कोई स्कैनर वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि अभी ये काफी सिलेबस जो है वो नया है, इट्स क्वाइट अ न्यू सिलेबस स्टिल, फाइनल का अभी तक खाली 2 टर्म हुआ है, एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का खाली 3 टर्म हुआ है, यू अंडरस्टैंड, तो कोई स्कैनर में आपको नहीं दिखेगा कि ये सब है, 0 स्कैनर का यहां पर हेल्प है, 0, तो ये पूरा एकदम रॉ रियल जो टीचर का मेहनत है वो इसमें। चलो सेक्शन 235 रेडी, देखो मेरे बच्चों सेक्शन 235 क्या बोल रहा है, देखो सब सेक्शन वन, वेयर अ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ क्या बताओ ना, शेयर्स, इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी क्लास ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, ऑफ अ कंपनी नहीं, इन अ कंपनी ऑफ शेयर होल्डर्स होगा ना, तो सुनो ना, ऐसा कोई स्कीम या कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर, ऐसा स्कीम कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है शेयर्स इन विच कंपनी, ट्रांसफर कंपनी टू विच कंपनी, ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन ट्रांसफर,
transfer. Transfer of shares in transferor company to transferee company. Pakka? Within 4 months after making of an offer in that behalf. Achha, offer kaun diya hoga aisa? Arre bolo na. Transferee company offer diya hoga na. Offer kab diya? Arre offer kitna mahina mein diya? Hat! Hey Ganjalo, offer to koi bhi pandit ji se murat nikal karke achha din pe de diye the. Transferee company offer kab diya? Kabhi bhi? Transferee company offer kab diya? Kabhi bhi? Ab wahan se 4 mahina ke andar wo scheme approve hua by the shareholders of transferor company holding at least 90% of the value of shares. Within 4 months after making of offer by the transferee company, been approved by the holders of 9/10 in value of share, matlab sun rahe 90% of the value of shares jinka transfer hona hai, whose transfer is involved. Ab suno, suno na. Are sunte nahi ho. Isme wo wala shares nahi dekha jayega, wo wala share nahi dekha jayega transferor company ka जो ऑलरेडी ट्रांसफर ही कंपनी के पास था. क्या बोल रहे हैं? ये सब बात बोल करके ना आप नाराज कर देते हैं. क्या है ये नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे. कहां गया मेरा ए लिमिटेड, बी लिमिटेड कहां गया? मिटा दिए क्या? ज्यादा मच मची चुप. अरे सुनो ना, बी लिमिटेड का मान लो से फॉर एग्जांपल सिंपल अगर हम करें, एक बार मान लो से फॉर एग्जांपल 100 शेयर लेते हैं, ठीक है, फिगर्स आर इन लाख, ले 100 लाख शेयर है, कितना रे? इसमें ऐसा नहीं हो सकता क्या कि बी लिमिटेड जो एक कंपनी है उसका बहुत सारे शेयर होल्डर्स है ना रे बाबा? अरे बोलो ना, उसमें हम भी एक शेयर होल्डर है. 10 लाख शेयर अपन के पास पहले से, नहीं समझा? बचा कितना? हाँ, तो जो बोला जा रहा है ना 90% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, वो इसमें देखा जाएगा. नहीं समझा? मान लो इसमें 80 लाख शेयर वाला लोग फेयर वोट कर दिया और ए लिमिटेड बोला अरे हम भी तो शेयर होल्डर है, हमारा भी यहां है, अच्छा कंपनी है, हम हमको हम ही से चुरा लो तो हम भी अच्छे कंपनी है, तो मेरा भी हाँ है. तो फिर ये बोल रहे देखो 80 और 10 कितना हो गया? बोलो ना 80 और 10 कितना हो गया रे बाबा? 90. तो 90 तो हो गया ना 100 में. नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा. समझा? हम लोग को 9/10 देखना है, 90% देखना है, 90% देखना है, 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर, 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ विच कंपनी? ट्रांसफर कंपनी. Other than those shares which are already held by transferee company. Other than those shares which are already held by transferee company. तो 90% किस में देखोगे? 90 लाख में देखोगे, 100 में नहीं देखोगे रे बाबा. अरे गांजा लोग. बच्चा बोला 100 में देखे 90%, 90 लाख ये पूरा होना चाहिए. अच्छा अगर 20 होता तो, 80 होता तो? 100 में देखिए 90%, 90 लाख, और इसको वोट नहीं करने देंगे. 100 में भी देखें 90%, 90 लाख, और 20 को भी निकालना है तो कैसे होगा? समझ आ रहा है? 90% किस में देखना? ट्रांसफरी कंपनी का शेयर होल्डिंग इन द ट्रांसफरर कंपनी को हटा करके, ट्रांसफरी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है इन द ट्रांसफरर कंपनी को हटा करके. समझ आ गया? तो ये जो 90% देखना है ना, अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड, अदर देन द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय नॉमिनी ऑफ द ट्रांसफर, नॉमिनी ऑफ ट्रांसफरी कंपनी और इट्स, क्या बताऊं ना, सब्सिडरी. सुनना, ट्रांसफरी कंपनी का जो शेयर होल्डिंग है चाहे वो खुद से हो चाहे उसके सब्सिडरी का, वो सब हटा कर. सुनना आगे से. फिर देख पावर आ गया. ट्रांसफरी कंपनी मे एट एनी टाइम विद इन 2 मंथ्स. अच्छा ट्रांसफरी कंपनी का ये क्या है? पावर है. समझा नहीं रहे?
अगर वो डिसेंडिंग लोग का हम शेयर नहीं खरीदना चाहते तो नहीं खरीदेंगे, लेकिन मेरे पास तो ट्रांसफरी कंपनी में एट एनी टाइम विद इन 2 months आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट 4 months गिव नोटिस इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर दैट इट डिजायर्स टू अक्वायर शेयर. सर मैं आ गया सर, ये नोटिस का फॉर्म नंबर बताओ CA14. चार महीना के अंदर काम हो गया क्या? अरे हाँ, चार महीना के अंदर ऑफर एक्सेप्ट हो गया क्या भाई? द शेयर होल्डर होल्डिंग 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर. चार महीना के अंदर किसको ऑफर एक्सेप्ट हो गया? ट्रांसफरी कंपनी का. ए थोड़ा दिमाग को दर्द दो. ट्रांसफरी कंपनी ऑफर दिया था, चार महीना के अंदर एक्सेप्ट कर लिया. शेयर होल्डर्स होल्डिंग एटलीस्ट 9/10 इन द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. तो अब वहां से कितना महीना के अंदर? 2 महीना. वहां से 2 महीना के अंदर ट्रांसफरी कंपनी का अगर मन करे तो डिसेंडिंग शेयर होल्डर को CA14 मुंह पे मारेगा, चल दे तेरा शेयर भी खरीदेंगे. अरे बोलो ना. देखो फिर, अगर ऐसा नोटिस दिया गया तो ट्रांसफरी कंपनी शैल, अगर ऐसा नोटिस दिया गया, खाली धमकी दिए थे क्या? ऑफर से 4 महीना खत्म हो गया क्या? 4 महीना के बाद, और 4 महीना के अंदर वो स्कीम क्या हो गया? पास. अब 4 महीना खत्म, जिस दिन ऑफर दिए थे वहां से 4 महीना खत्म, वहां से 2 महीना में डिसेंडिंग को CA14 मुंह पे मारे, तब एक्शन तो लो. जिस दिन CA14 उनके मुंह पे मारे, वहां से 1 महीना के अंदर अब हम SH4 वगैरह मुंह पे मारेंगे किसको? ट्रांसफरर को. ये देखो, ट्रांसफरी कंपनी शैल, सीधा एक लाइन के बाद हो, Within 1 month, ट्रांसफरी कंपनी शैल Within 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच नोटिस वॉज गिवन, लिखा, बी इंटाइटल्ड. इंटाइटल्ड मतलब मेरा राइट है यार, ट्रांसफरी कंपनी का राइट है. एंड बाउंड ऑल्सो. सुनो, बाउंड सर आप तो बोले तो ऑप्शनल है. हाँ, शुरू में ऑप्शनल था, लेकिन अगर तुमने CA14 मुंह पे, अब यू आर बाउंड. ऊपर से जा रहा है, बाप रे बाप, डराता है. CA14 मुंह पे मारा ना उन लोग के, कि हम आ रहे हैं शेयर खरीदने, तो अब सच में खरीद 1 महीना के अंदर. ये तुम्हारा हक भी है, लाइबिलिटी भी है. अब पहले खाली क्या था? राइट. लेकिन जिस दिन तुमने डिसेंडिंग वाले लोगों को CA14 मुंह पे मार के डरा दिया, वहां से 1 महीना में तुम्हारा राइट भी है, लाइबिलिटी भी है टू अक्वायर दो शेयर्स ऑन द टर्म्स ऑन विच द स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट द शेयर्स ऑफ अप्रूविंग शेयर होल्डर्स आर टू बी ट्रांसफर्ड. समझाया? सेम टर्म्स रहेगा जो अप्रूविंग शेयर होल्डर लोग का टर्म्स था, डिसअप्रूविंग शेयर होल्डर लोग का भी क्या रहेगा? वही टर्म्स. लेकिन ये सब तभी होगा ना अनलेस एप्लीकेशन मेड बाय डिसेंडिंग शोल्डर टू ट्रिब्यूनल. लेकिन अगर ट्रिब्यूनल स्टे लगा दिया, ए सुनना भाई, मैंने CA14 डिसेंडिंग को दिया, मैंने CA14 डिसेंडिंग उसी दिन NCLT में केस फाइल कर दिया, NCLT मेरे को बोल दिया स्टे, तो हम क्या अभी भी हम कतूहलता मचाते रहेंगे क्या? वो तो अब NCLT जो फैसला करना है करेगा, क्योंकि डिसेंडिंग ने केस फाइल कर दिया कहां पर? NCLT. समझ आ गया सर, इसलिए हम अलग से पढ़ा रहे. अनलेस, ये सब तभी होगा अनलेस, अगर जब तक एप्लीकेशन फाइल नहीं हुए NCLT के पास. मक्खन एकदम. बोलो ना. फिर यहां पर भैया देखो, ट्रांसफरी कंपनी ऑन द एक्सपायरी ऑफ 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द नोटिस हैज बीन गिवन, ए CA14 दिए हुए मुंह पे मारे हुए कितना महीना हो गया बताओ? 1 महीना. अरे बोलो ना. Or if an application to tribunal by descending shareholder is then pending after application has been disposed. Obvious बात है. या तो 1 महीना या फिर application अगर pending है NCLT के पास, तो after the application is क्या बताऊँ ना? Disposed. Descending shareholder ने अगर apply कर दिया किसके पास, तो NCLT जब application क्या करेगा? Dispose. Send a copy of notice. अब ये notice, मैंने जो notice मुंह पे मारा था किसके मारा था? Descending के.
अब ये मैं किसको दूंगा? ट्रांसफरर कंपनी को अलोंग विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. टेल मी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर. SH4 टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स, टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ विच शेयर होल्डर? डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स. पक्का? अरे बोलो. एंड पे द ट्रांसफरर कंपनी अमाउंट और कंसिडरेशन. समझ में आ गया सर? तो फिर ट्रांसफरर कंपनी क्या करेगा? ट्रांसफरर कंपनी को SH4 मिल गया, रुपया भी मिल गया, कंसिडरेशन मिल गया. नाउ ट्रांसफर कंपनी शैल रजिस्टर ट्रांसफर कंपनी एज अ शेयर होल्डर. वाओ. ट्रांसफरर विल रजिस्टर ट्रांसफरी एज द शेयर होल्डर. और जब ये रजिस्टर कर लेगा, वहां से एक महीना के अंदर बता देगा डिसेंडिंग को. बोले ना ट्रांसफर बताएगा, किसको बताएगा? तो चार तो टाइम लिमिट है, 4-2-1-1. 4-2-1-1 क्या सर? 4-2-1-1 सर, सर क्या है? 4 महीना 2 महीना 1 महीना 1 महीना. रिलैक्स ना. जिस दिन मैं रजिस्टर, जिस दिन ट्रांसफरर ने रजिस्टर कर लिया, वहां से एक महीना के अंदर बता देगा डिसेंडिंग को. हो गया काम? हो गया. डिसेंडिंग शेयरहोल्डर्स को बता देगा ये फैक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ये काम हो चुका है. बोला हम तो अप्रूवल नहीं दिए, तुमसे मांगे नहीं थे, देते कहां से? तुमको तो बताए थे ऐसा होने वाला है. नहीं लेकिन हम अप्रूवल नहीं दिए. हाँ ठीक है, तुम एनसीएलटी के पास गए थे, हार गए या गए नहीं, तुम बात खत्म. अब रजिस्टर हो चुका है, तुम्हारा अमाउंट भी मिल चुका है हम लोग ट्रांसफर कर देंगे. फिर देखो क्या बोल रहा है. जो भी सम रिसीव्ड है बाय द ट्रांसफरर कंपनी शैल बी पेड इन विच बैंक? बताओ ना. सेपरेट बैंक अकाउंट एंड सम और कंसिडरेशन सो रिसीव शैल बी हेल्ड बाय दैट कंपनी इन द ट्रस्ट. ऑब्वियस बात है, ट्रांसफर कंपनी क्या जुआ खेलेगा उस रुपया से? ये रख के रखेगा एज अ ट्रस्टी. एंड शैल बी डिस्पर्स टू एंटाइटल शेयरहोल्डर विद इन 60 डेज. सेपरेट बैंक में रख के रखेगा एज अ ट्रस्टी एंड डिस्पर्स कर देगा विद इन 60 डेज. मक्खन, दिस वन इज नॉट रिक्वायर्ड. ये ट्रांजिशनल प्रोविजन है, अब रिक्वायर्ड नहीं है. हफ. और इसका रूल एक ही है, नोटिस वो देना है. सीए नंबर कौन सा बताओ ना? नोटिस टू डिसेंडिंग शेयरहोल्डर CA14. ये पूरा 235 दिमाग में है मेरे बच्चों के, बोलते नहीं. अरे बाबा, अब इसका पूरा कॉपी में हम आपको लिखवा दे रहे हैं. खाली कॉपी से पढ़ोगे हो जाएगा, चलो गारंटी देते हैं. लिख दो. ये तो बेर एक्ट क्रैक कर लिए ना, खाली कॉपी से पढ़ना. हेडिंग वेडिंग दे रखा है? सीधा चालू करो लिखना.
कॉपी हो गया। यहां तक हो गया ना, जहां तक हम लिखे हो गया।
यहां तक हो गया? डन वाले बोलेंगे डन, नॉट डन वाले हाथ उठाएंगे? बेटा दो तीन लाइन छोड़ दो, नेक्स्ट स्टेप लिखो. ट्रांसफरी कंपनी शैल ऑल्सो पे कंसिडरेशन. ट्रांसफरी कंपनी शैल ऑल्सो पे कंसिडरेशन. Which shall be kept by transferor in a separate bank account as a trustee. Transferee company shall also pay consideration which shall be kept by transferor in a separate bank account as a trustee. सर वो तो बाद में ना, हट. पॉइंट बाद में था तो क्या हुआ, वो तो पहले ही होगा. पहले ट्रांसफर हो जाएगा, पैसा बाद में मिलेगा कि पैसा शुरू में मिलेगा? अब ट्रांसफर रेशियो कर देगा. Transferor shall register the transfer of shares in the name of transferee company. Within 1 month transfer company shall inform its shareholders about such transfer. Within 60 days of receipt of consideration, disburse it to its shareholders. Happy ending. Oof. अब एक बार पढ़ो पूरा, कितना देखो तुम्हारा टाइम बच रहा है, पढ़ो एक बार पूरा. पहले एक बार पूरा पढ़ो. डिसबर्स इट टू इट्स शेयरहोल्डर्स. पूरा एक बार अच्छे से गोथू करो. ये चैप्टर फाइनल लेवल पर हम बता दें कम से कम 15 मार्क्स होल्ड करता है. अच्छे से पूरे एकदम गोथू कर लो फटाफट.
पूरा पढ़ लिया 235, मिलता जुलता है 236, 236 परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। सेक्शन 236 परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग। अब इसमें क्या हो रहा है सुन लो, इसमें ये हो रहा है कि कोई कंपनी टू कंपनी डील नहीं हो रहा है, इंटर कॉरपोरेट डील नहीं हो रहा है। बट मान लो से फॉर एग्जांपल मेरे पास तुम्हारा कंपनी का 90% शेयर आ गया, सर कैसे आया? स्टॉक मार्केट से खरीद लिए या फिर मान लो अनलिस्टेड कंपनी भी अगर है तो बाद बाकी छोड़ लोग से मेरा जान पहचान था, पैसा फेंके खरीद लिए शेयर। नहीं समझ में आया? तो तुम्हारा कंपनी का 90% शेयर मेरे पास आ चुका है, कंपनी के थ्रू नहीं आया, या तो स्टॉक मार्केट से आया या फिर फ्रॉम अदर शेयर होल्डर से आ, बस कैसे भी आया, बस आ गया 90%। तो फिर तुम्हारा कंपनी में हम क्या हो गए? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तुम्हारे कंपनी में मैं क्या हो गया? मेजॉरिटी शेयर होल्डर। तो ये सेक्शन 236 बोलता है कि ऐसा जो मेजॉरिटी क्या है शेयर होल्डर, वो माइनॉरिटी को ऑफर करे, ऐसा मेजॉरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी को ऑफर करे, फोर्स नहीं कर सकते। अब हम माइनॉरिटी को क्या करेंगे ऑफर, कि आप चाहें अगर आप अनसेफ महसूस कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अपना जो है जो आप लोग के पास 10% शेयर है वो हमको दे दो, या फिर माइनॉरिटी लोग खुद ही आ गया चढ़ाने के लिए, दोनों हो सकता है। नहीं समझ आया? या तो हम आपको ऑफर कर दें या आप ही अपना जो रिमेनिंग 10% बोला बाबू इससे अब क्या होगा, ये भी आप ले लो ना, हम लोग को कट लेने का मौका दो, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? तो ये 235 से लेस फोर्सिंग है, क्योंकि ये 235 से लेस फोर्सिंग है। तेरे को रहना रहे ना भाई, मना तो नहीं कर रहे, तुम भी रहो, समझ में आया? लेकिन अगर तुमको और तुम चाहते हो कि तुम्हारा 10% हम खरीद लें तो ठीक है, मेरे को खरीदना पड़ेगा फिर मेरे को खरीदना पड़ेगा, या फिर अगर हम चाहते हैं तो तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम अपना चाहो तो 10% शेयर मेरे को बेच सकते हो। सो माइनॉरिटी शेयरहोल्डरों के लिए यहां पर कोई जोर जबरदस्ती वाला बात नहीं है, इसलिए यहां पर एनसीएलटी इन्वॉल्व ही नहीं है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनसीएलटी एट ऑल। 235 में तो एनसीएलटी इन्वॉल्व होना पड़ता है, वहां तो फोर्स है तुम्हारे ऊपर, लेकिन 236 में तो तुम्हारे पास क्या है, ऑप्शन, तुम चाहो तो अपना 10% शेयर हमको बेच सकते हो। क्लियर? तो ये था सेक्शन नंबर कौन सा बताओ, 236। यहां बल्कि मेरे लिए कंपलसरी है कि मैं जब 90% शेयर हासिल कर लिया तो मैं तुमको ऑफर करूंगा कि तुम अपना 10% हमको बेचो, और तुम्हारे लिए क्या है ऑप्शनल कि तुम चाहो तो सरेंडर कर सकते हो 10% शेयर। और यहां एनसीएलटी का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है। आर वी थ्रू विद दिस? अब जो भी रुपया वगैरह रहेगा, कंसिडरेशन जो भी रहेगा, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा, और सेपरेट बैंक अकाउंट में रखा जाएगा एक साल तक। जो मेजॉरिटी शेयरहोल्डर लोग है ना, उन लोग एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रुपया रखेगा, कंसिडरेशन रखेगा माइनॉरिटी का शेयर का दाम का, कितना साल तक? एक साल। बोलो क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी लोग कभी भी मन मना सकता है कि अब हम लोग को शेयर बेचना है तो मेरे पास अभी फंड नहीं है, जाओ जाओ अभी मेरे पास फंड नहीं है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। तो इसलिए बैंक में रखना पड़ेगा कितना साल तक? एक साल। फिर जैसे जैसे चिल्लड़ लोग आते जाए वैसे वैसे उन लोग को पेमेंट 60-60 दिन में करते जाओ। चिल्लड़ आया बोला हाँ ले वो, तो ले वो। कितना दिन के अंदर? 60 दिन। सुनना, तो हमको ये इंतजाम बंदोबस्त करके रखना है कितना साल तक? एक साल। मक्खन एकदम। तो ये लेस इनफोर्सिंग है। देखो पहले सेक्शन 236 पढ़ते हैं, फिर हम आपको डिफरेंस लिखवाएंगे सेक्शन 235 और 236 में क्या क्या डिफरेंसेस है परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डिंग में। यहां देखो पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, यहां क्या है? परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयरहोल्डिंग। और यहां पर मजा का बात है, ट्रांसफरिंग कंपनी के पास थोड़ी ना शेयर आ रहा है, यहां तो किसी इंसान के पास आ रहा है। हे भगवान, 235 में
ट्रांसफरी कंपनी के पास क्या आ जा रहा था शेयर 236 में. जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी हो, तुम लोग के बीच से ही कोई शेयरहोल्डर जो है वो बड़ा हो गया. तुम लोग के बीच में एक शेयरहोल्डर था, यहां से शेयर लिया, यहां से शेयर लिया, यहां से हर जगह से शेयर लिया और ऐसा हो गया 90%. समझ आ रहा है क्या बोला जा रहा है? इन द इवेंट ऑफ क्या बताओ ना, अक्वायरर, अक्वायरर उसके साथी लोग, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट मतलब साथ साथ, अक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट, पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद सच अक्वायरर. सो अक्वायरर एंड पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सर्ट विद सच अक्वायरर बिकम रजिस्टर्ड होल्डर. बाप रे बाप, 90% का, 90% का उन लोग के पास क्या आ गया? ओनरशिप. उन लोग शेयर होल्डर बन गए ऑफ 90% और मोर ऑफ द इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. बस वहीं तक. तब फिर क्या होगा देखो, सच अक्वायरर शैल नोटिफाई द कंपनी ऑफ देयर इंटेंशन टू बाय द रिमेनिंग इक्विटी शेयर. अक्वायरर के लिए देखो कंपलसरी है, तुम 90% खरीद लिया, अब तुम अपना इंटेंशन 10% खरीदने का भी जाहिर करो. द अक्वायरर शैल ऑफर टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर बाइंग. देखो शैल मेरे लिए बोले ना, हम क्या बोले, मेरे लिए तुमको ऑफर करना क्या है, कंपलसरी. शैल ऑफर टू द, अरे बोलो ना, शैल ऑफर टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी फॉर बाइंग द इक्विटी शेयर. बाइंग इक्विटी शेयर हेल्ड बाय सच शेयरहोल्डर एट अ प्राइस डिटरमाइंड बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर. प्राइस डिटरमाइंड एज पर रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब. वो प्राइस क्या रहेगा जो हम माइनॉरिटी लोगों को देंगे? वो प्राइस ये वाला रहेगा एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब. प्राइस रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करेगा एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब. वो रूल ये है. रूल में आ जाओ. अगर लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है तो ऑफर प्राइस डिटरमाइन इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी. ऑफर प्राइस डिटरमाइन, अरे लिस्टेड कंपनी है ना तो ऑफर प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? मैनर स्पेसिफाइड बाय सेबी. बस वहीं तक. अगर अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी या फिर प्राइवेट कंपनी है तो देखो ऑफर प्राइस डिटरमाइन होगा फॉलोइंग फैक्टर्स देख करके. हाइएस्ट प्राइस पेड बाय द अक्वायरर ड्यूरिंग लास्ट 12 मंथ्स. अक्वायरर धीरे धीरे से क्या अक्वायर किया है? शेयर. तब ना 90% आया. 90% कैसे आ गया? धीरे धीरे शेयर अक्वायर किया ना. पिछले 12 महीना में, पिछले 12 महीना में जो हाईएस्ट प्राइस दिया, पिछले 12 महीना में जो हाईएस्ट प्राइस दिया अक्वायरर ने, वो भी देखना पड़ेगा. मैंने बहुत सारा शेयर अक्वायर किया, किसी से 10 रुपया में, किसी से 20 रुपया में, किसी से 30 रुपया में. तो 30 रुपया highest price paid by the acquirer during last 12 months. Fair price of shares. Fair price of, fair value कैसे निकाला जाता है? कंपनी का net worth, EPS, ये सब capital plot देख करके. Fair price of shares to be determined by registered valuer after taking into account valuation parameters like return on net worth, book value of share, earning per share. बस समझ आ गया. तो लिस्टेड कंपनी में ऑफर प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा? माइनस स्पेसिफाइड बाय सेबी. अनलिस्टेड कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में कैसे डिटरमाइन होगा? हाईएस्ट प्राइस पेड बाय द अक्वायरर टू अक्वायर द शेयर्स इन लास्ट 12 मंथ्स. यहां देख रहे हो ट्रांसफर, ट्रांसफरी कंपनी मत बोल देना रे पापा. एक ही कंपनी है, उसी के बीच से एक शेयर होल्डर बाहुबली बना है. नहीं समझा रहे बाबा? तो काय का ट्रांसफर कंपनी, काय का ट्रांसफरी कंपनी? कुछ नहीं, सीधा मुकेश अंबानी 90% शेयर खरीद लिया तो 10% का भी वो ऑफर देगा. अब ऑफर प्राइस क्या रहेगा? मुकेश अंबानी 10% शेयर खरीदने का ऑफर प्राइस क्या रखेगा? लिस्टेड कंपनी में तो सभी का मैनर, अनलिस्टेड कंपनी प्राइवेट कंपनी में. मुकेश अंबानी ने लास्ट 12 महीना में जो सबसे हाईएस्ट प्राइस पे किया वो, या वैल्यूएशन पैरामीटर्स, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन पैरामीटर्स लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ, ईपीएस, प्राइस अर्निंग, बुक वैल्यू. समझ आ गया सर? विदाउट अफेक्टिंग सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2. सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 में किसके ऊपर ओनस था? 90% जो खरीदा है उसके ऊपर ओनस था कि चल माइनॉरिटी लोग को क्या कर, ऑफर. इसके अलावा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मे ऑफर द मेजोरिटी शेयर होल्डर टू परचेस माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग बाय एट अ प्राइस डिटरमाइंड रूल्स जो अभी हम लोग पढ़े थे. क्या बोला, क्या बोला? माइनॉरिटी शेयर होल्डर स्वयं आकर के मेजोरिटी को अपना शेयर ऑफर कर सकता है. प्राइस वही रहेगा जो भी हम लोग पढ़े. पॉइंट 1 और 2 में क्या बोला था? मेजॉरिटी जिसके पास कितना है रे? 90%.
वो उसके लिए कंपलसरी कि ऑप्शनल है? उसके लिए कंपलसरी है कि वो रिमेनिंग 10% लोगों को क्या करेगा, ऑफर. लेकिन माइनॉरिटी लोग के लिए क्या है? ऑप्शनल. उन लोग स्वयं भी आ सकता है मेजॉरिटी के पास. अब मेजॉरिटी शेयर होल्डर लोग क्या करेगा? डिपॉजिट करेगा जो अमाउंट है ना इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय देम इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट. और ये बैंक अकाउंट ऑपरेट कौन करेगा? कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड. कंपनी हुज ट्रांसफर. ट्रांसफर मत बोल देना. पहले लॉ मेकर्स भी गलत, तुम लोग तो इंसान हो, लॉ मेकर लोग भी पहले गलती करते थे. पहले यहां पर ट्रांसफर लिख करके रखे थे. ट्रांसफरर कंपनी सामने 2017 आया, बोला ट्रांसफरर शब्द तो गलत है क्योंकि ट्रांसफर ही कंपनी ही नहीं है, तो ट्रांसफर कंपनी कहां से होगा? तो फिर इस ट्रांसफरर कंपनी को इन्होंने ठीक किया. कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड. नहीं समझा? तो लॉ मेकर्स लोग से भी ये सब टेक्निकल डिफॉल्ट होता रहता है. उन्होंने बताओ 3 साल तक ट्रांसफरर कंपनी यहां पर यूज करके रखा था जो कि लॉ में टेक्निकल ग्लिच था. तो अब इन्होंने कंपनी सम्मेलन 2017 ला करके ठीक किया था. सर अभी तो कंपनी सम्मेलन 2019 है, तो 2017 में ठीक हो गया तो क्या 19 में गलत हो गया क्या? क्या बोला? नहीं समझाया? या दो कंपनी है कि एक ही है? तो जिस कंपनी का शेयर सर्विंग उस कंपनी को वही कंपनी बैंक अकाउंट ऑपरेट करेगा. और मेजॉरिटी वाला लोग क्या देगा? पैसा. मेजॉरिटी वाला लोग पैसा देगा, बट वो पैसा को बैंक में रखा जाएगा. और वो अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा? जिस कंपनी का शेयर है. कितना साल तक रखा जाएगा? 1 साल. क्यों क्यों क्यों? ताकि पेमेंट किसको सके बताओ? माइनॉरिटी. और उन लोग को दिया जाएगा कितना दिन के अंदर? 60 दिन. जैसे जैसे चिल्लर लोग आते जाएगा स्वाहा करते जाएंगे. Provided that such disbursement shall continue to be made to the entitled shareholder for a period of 1 year, जो 60 दिन में आकर के नहीं लिया. Obvious सब आता है ना, तभी तो 1 साल अपने बोले हे भगवान ये बोलने का क्या दरकार है? ये पढ़ोगे और confusion हो जाएगा. समझ में आ रहा है ना? 60 दिन में disbursement करने बोला, तो 1 साल क्यों रखने बोला बे? ताकि 60 दिन में अगर disbursement, तो 1 साल के अंदर हो जाए. इसलिए तो 1 साल रखने बोले थे. तो ये कंपनी क्या करेगा रे? कंपनी का तो कोई रोल ही नहीं है. कंपनी का कोई रोल नहीं है, सही बात है. कंपनी खाली एक एजेंट का रोल निभाएगा, बिचौलिया का रोल निभाएगा कंपनी. मेजॉरिटी से रुपया लेगा, माइनॉरिटी को रुपया देगा. माइनॉरिटी से शेयर लेगा, मेजॉरिटी को शेयर देगा. नया शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगा. समझ में आ गया सर? अरे बोलो ना. द कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड शैल एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट. द कंपनी हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड शैल एक्ट एज अ ट्रांसफर एजेंट फॉर रिसीविंग एंड पेइंग द प्राइस टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर. जिस कंपनी का शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड वो ट्रांसफर एजेंट का रोल निभा रहा है फॉर रिसीविंग. पहले क्या करेगा? रिसीव. और पे करेगा प्राइस किसको बताओ ना? माइनॉरिटी शेयर होल्डर. और फिर टेक द डिलीवरी ऑफ क्या बताओ ना? शेयर. And delivering such shares to किसको बताओ ना? Majority. अरे बोले ना. रुपया लेगा किससे? Majority से. देगा minority को. Minority से share लेगा, देगा majority को. बोलो बोलो. उसके बाद सब सेम रिपीटेशन है कि अगर shareholder मर मुरा गया तो उसका legal representative वगैरह जो है वो minority मर गया. Minority shareholder मर गया तो पैसा किसको देगा? उसका legal representative को यार. अरे बोलो. All this not required. बड़ो देखो सीधा यहां पर आ जाओ. In case of majority shareholder requiring a full purchase and making payment of the price by deposit to the company. Majority shareholder को पूरा purchase करना था, उसने पैसा भी दे दिया था, लेकिन वो shareholder मर गया. वो shareholder मर गया. Shareholder have died. तब 1 साल के देगा वो 3 साल हो जाएगा. तब देखो क्या होगा. द राइट ऑफ सच शेयरहोल्डर टू मेक ऑफर फॉर सेल ऑफ माइनॉरिटी इक्विटी शेयरहोल्डिंग शैल कंटिन्यू एंड अवेलेबल फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स. 3 इयर्स कहां से काउंट होगा? जिस इन मेजॉरिटी शेयर 90% शेयर एक्वायर हुआ था.
बस उतना ही, कॉपी खोलो सेक्शन 236 हम पूरा लिखा दे रहे हैं, वहीं से पढ़ लेना फटाफट फटाफट, तुम लोग बहुत स्लो जा रहे हो हम बता दें। सेक्शन 236 परचेज ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, सेक्शन 236 परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग दिखा, लिखो पॉइंट नंबर वन, इफ any acquirer, if any acquirer either alone or along with person acting in concert, if any acquirer either alone or along with person acting in concert, either alone or along with person acting in concert, either alone or along with person acting in concert, मतलब उसके साथी लोग, acquires or becomes holder of at least 90% equity share capital of company then he shall notify the company फटाफट लिखो, then he shall notify the company to buy the remaining equity shares also to buy the remaining equity shares also. Point number two mein likho, such acquirer shall offer to minority shareholders for buying their shares at falling price determined by registered valuer. फटाफट लिखो, following price determined by registered valuer. Point number A, in case of listed company में डैश करके लिख दो, price determined in the manner specified by SEBI. Point number B,
इनके सब क्या लिखा, अनलिस्टेड कंपनी, पॉइंट नंबर वन, हाईएस्ट प्राइस पेड बाय अक्वायरर इन लास्ट 12 मंथ्स, highest price paid by acquirer in last 12 months. Point number B, valuation parameters like return on capital employed, कॉमन नेटवर्थ, फटाफट लिखो, वैल्यूएशन पैरामीटर्स लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन नेटवर्थ, वैल्यूएशन पैरामीटर्स लाइक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कॉमन नेटवर्थ कॉमा बुक वैल्यू कॉमा पी, बुक वैल्यू कॉमा पी, पीई, पी क्या होता है समझ में आता है ना रे, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, फुल स्टॉप. पैरा नंबर कौन सा, अरे पॉइंट नंबर कौन सा, पॉइंट नंबर थ्री में लिखो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो, फटाफट लिखना, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो ऑफर, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो ऑफर टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में सुओ मोटो ऑफर टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, में सुओ मोटो ऑफर टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, टू बाई देयर शेयर्स एट द अबव प्राइस, टू बाई देयर शेयर्स एट द अबव प्राइस, टू बाई देयर शेयर्स एट द अबव प्राइस. पॉइंट नंबर फोर में लिखो, द मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स शेल डिपॉजिट, द मेजॉरिटी शेयर होल्डर शेल डिपॉजिट an amount equal to value of shares to be acquired, an amount equal to value of shares to be acquired, majority shareholder shall deposit an amount equal to value of shares to be acquired, deposit an amount equal to value of shares to be acquired with the company whose shares are being transferred, with the company whose shares are being transferred, in a separate bank account for at least 1 year, in a separate bank account for at least 1 year, and such amount shall be disbursed for at least 1 year, and such amount shall be disbursed to minority shareholders within 60 days, and such amount shall be disbursed to minority shareholders within 60 days. Such amount shall be disbursed to minority shareholders within 60 days. Point number kaun sa? 5 mein likh do. The company whose shares are being transferred shall act as a transfer agent. The company whose shares are being transferred shall act as a transfer agent the company whose shares are being transferred shall act as a transfer agent
सेलेक्ट इज अ ट्रांसफर एजेंट, डैश देकर के लिखो पॉइंट नंबर ए, डैश देकर के पॉइंट नंबर ए लिखो, विल रिसीव द अमाउंट, विल रिसीव द अमाउंट फ्रॉम मेजॉरिटी शेयर होल्डर एंड गिव इट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, रिसीव द अमाउंट फ्रॉम मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स एंड गिव इट टू माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, receive the amount from majority shareholder and give it to minority shareholder. Point number B, will take the shares of minority shareholders, will take the shares of minority shareholders, will take the shares of minority shareholders and give it to majority shareholders, and give it to majority shareholders. लास्ट पॉइंट नंबर कौन सा, सिक्स में लिखो, इफ एनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर डाइज, इफ एनी माइनॉरिटी शेयर होल्डर डाइज देन द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोसेस, देन द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोसेस विल बी थ्री इयर्स, देन द टाइम लिमिट टू कंप्लीट द प्रोसेस The time limit to complete the process will be 3 years from the date of acquiring such majority stake. 3 years from the date of acquiring such majority stake. 3 years from the date of acquiring such majority stake. Three years from the date of acquiring such majority stake. Difference banao. फटाफट एकदम. Section 235 और 236 के बीच में. ये तीन डिफरेंस कॉपी कर लो. कॉपी हो गया. पॉइंट फोर, स्कीम कहां था, स्कीम कॉन्ट्रैक्ट, हाँ स्कीम और कॉन्ट्रैक्ट, प्रेजेंट एब्सेंट,
235 में कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं था टू डिपॉजिट एंड कीप कंसिडरेशन, और 236 में कितना साल था बताओ, एक साल था ना, मात्र एक साल। ये पांच डिफरेंसेस है, वापस से पांच डिफरेंस देख लो बेटा। 235 में क्या हो रहा है, दो कंपनी के बीच में डील हो रहा है, उसके तहत शेयर्स जा रहा है ट्रांसफरी कंपनी को, सो इट्स एन इंटर कॉर्पोरेट ट्रांसफर, वहां ट्रांसफर अमंग शेयरहोल्डर्स ऑफ अ कंपनी। पॉइंट नंबर टू, ट्रांसफरी कंपनी खरीद रहा है ना शेयर, 236 में ट्रांसफरी कंपनी है ही नहीं, एनसीएलटी इन्वॉल्व है, वहां एनसीएलटी इन्वॉल्व नहीं है, वहां स्कीम है, यहां स्कीम नहीं है, यहां कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है टू डिपॉजिट एंड कीप कंसीडरेशन, 236 में एक साल है, यहां तक सो फार सो गुड, बढ़ो आगे। ये था अपना 235 एंड 236। अब देखो जो 237, अब देख रहे हैं 238, 239, 240, अप्रोक्स टू पेजेस का है खाली, मतलब अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो चुका है। ये दो पन्ना तुम्हारा दिमाग जिस दिन फ्रेश रहेगा, मेरे को आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा से 40 मिनट में अब ये चार सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। बनवाया तो वेडनेसडे मिलेंगे, सुन लो वेडनेसडे क्या करेंगे, वेडनेसडे ये अपने कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ एक चैप्टर है डोरमेंट कंपनी, अरे डेफिनेशन नहीं, एंड निधि कंपनी। सो वेडनेसडे खत्म करेंगे एंड डोरमेंट एंड निधि जो है उसको खत्म करेंगे वेडनेसडे। हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, अपना अगर भला चाहते हो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के साथ, कोई कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट मत करो। चलो भाई।